क्या बनता है। उटापू का नया है, उटापू का नया है। इससे अच्छा जगह मेरे को मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ अभिचल और मैं बहुत ही अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोग आए हैं डुमरगढ़ी, जो कि यहाँ पे 1 फरवरी को मीटिंग होता है, प्रेयर मीटिंग। सोचिए आप लोगों को भी दिखा दें। तो ऐसे ही कुछ कुछ जगह है, बहुत सुंदर जगह है, तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। और अभी तो बरसात, मतलब अभी बरसात का टाइम नहीं है। जब बरसात का टाइम होता है तो पानी पूरा भरा होता है ये, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक धार्मिक पर्यटक स्थल को दिखा रही हूँ, जहाँ मैं 1 साल पहले गई थी, जिसे ऐतिहासिक क्रिस्तान डेरा के नाम से जाना जाता है, जो खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड बिलसरेंग गांव में उपस्थित है। इस धार्मिक स्थल को डुमरगढ़ी, बिलसरेंग, मिशन डेरा कई नामों से जाना जाता है। बिलसरेंग के आगे आप लतरातू डैम भी जा सकते हैं। आप लोग खूंटी तुरपा से आते हैं तो कर्रा होके जाना पड़ेगा, जो कि कर्रा पार करने से बिलसरेंग के लिए रोड मिल जाएगी। बिलसरेंग खूंटी से लगभग 30-32 किलोमीटर पड़ेगी और रांची से आप आते हो तो भी 30-32 किलोमीटर पड़ेगी। आप रांची से आओगे तो लोधमा होके बिलसरेंग आना होगा। क्रिस्तान डेरा में 1 फरवरी को प्रेयर मीटिंग होती है। यहाँ सभी समुदाय के लोग भिन्न भिन्न राज्यों से आते हैं, जैसे कि उड़ीसा, कोलकाता, आसाम, कई जगहों से लोग इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं। आइए हम इसके इतिहास को जानते हैं। 1845 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, तब रांची में मिशनरी लोग आए थे और तब वे अपने मिशन को फैलाने लगे। वे स्कूल हॉस्पिटल बनाने लगे। उस समय राजा रजवाड़ के लोग हुआ करते थे। राजा रजवाड़ लोग देखे कि ये लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग पीछे हो जाएंगे। तब राजा रजवाड़ लोग सिपाही विद्रोह को फैलाने लगे। रांची बेतसदा स्कूल को तोड़ा गया, GEL चर्च को तोप से गिराने का प्रयास किया गया, फिर भी चर्च को कुछ नहीं। तब मिशनरी लोग रांची से छुपते छुपाते बिलसरेंग पहुंचे। जब राजा रजवाड़ ये देखे कि इन्हें कुछ नुकसान नहीं हो रहे, तब वे मिशन लोगों को सताने लगे, मारने पीटने लगे। तब राजा रजवाड़ वहां भी उनके पीछे पीछे बिलसरेंग पहुंच गए, लेकिन उन्हें मिशनरी लोग नहीं मिले। ना मिलने की वजह से राजा रजवाड़ वापस हो गए। कहा जाता है कि जब मिशन लोग छुपते छुपते बिलसरेंग पहुंचे थे, तब बहुत बारिश हो रही थी, नदी में पानी भरी हुई थी, इस पार से उस पार लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन उस समय 1 साल का पेड़ उस बाढ़ में बहकर जहां पर मिशनरी लोग खड़े थे वहां अटक गई और उस पेड़ के द्वारा वे लोग नदी को पार कर पाए। ये
ये मानना है कि उनकी प्रार्थना और विश्वास के कारण परमेश्वर ने उनकी मदद की। एक सप्ताह के बाद जब बारिश कम हुई, तब गांव के लोग आकर के उनकी मदद की। उस पे कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। वे लोग भूख से तड़प रहे थे, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन एक सप्ताह के बाद गांव वाले उनको आकर के उनके यहाँ जो भी खाने पीने को सामान था उनकी मदद की। लगभग एक डेढ़ महीने के बाद जब बारिश कम हुई, सब चीज शांत हो गया, जब उन मिशन लोगों को पता चला कि राजा रजवाड़ लोग जो सिपाही विद्रोह है वो शांत हो चुका है, तब वे अपने अपने घर को लौटे। जब तक मिशनरी लोग वहां थे, तब तक वे लोग अलग अलग टापों में जाकर के रहते थे। उटापू का नया है? उटापू का नया है? कौन सा गाना है? एक डेढ़ महीना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहाँ जहाँ वे लोग डेरा डाले थे, वहाँ वहाँ वेदी बनाया गया है, जहाँ की लोग जाकर के मोमबत्तियां जलाते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। जब मैं गई थी, तब रास्ता ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ा था। हो सकता है अभी रास्ता बना दी गई होगी। 1 फरवरी से पहले लोग मिल करके वहाँ साफ सफाई करते हैं, रास्ते बनाते हैं। वहाँ पे मेला भी लगता है जहाँ काफी भीड़ होती है। जब आप नदी पार करोगे तो थोड़ा संभल करके पार होइएगा, क्योंकि कई जगह फिसलन है। इस समय बारिश और बाढ़ नहीं होती है, लेकिन आप जब बरसात में जाओगे तो ये बाढ़ से ढका होगा। पानी और हरियाली आपको देखने को मिलेगी। अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पे आप जरूर से विजिट कीजिए, बहुत ही शांति और सुकून मिलेगी। इस दिन जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, सभी लोग मिल करके गीतों को गाते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को वेदी के सामने रखते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मिशनरी लोग आ करके डेरा डाले थे। तो इस जगह पे एक क्रूस का स्थापना की गई है, जहाँ पे लोग आ करके मोमबत्तियां जलाते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। वहाँ पे एक दान पेटी भी रखी हुई है, आप स्वेच्छा दान के तौर पर आप दान भी दे सकते हैं। होप आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जितना हो सका मैंने कवर किया, सभी तरफ मैं घूम घूम के वीडियो बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही मेहनत लगा है ये वीडियो बनाने के लिए। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये दूसरे वाले वेदी के सामने का है। पहले वाला जो वेदी है उसके सामने का लोकेशन बहुत ही सुंदर है, पीछे वाले का लोकेशन भी बहुत सुंदर है। लेकिन जो पहला वाला वेदी है, जैसे आप इंटर करोगे उसके साइड में आप जाओगे तो बहुत सुंदर नजारा आप लोग देखोगे, जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जहाँ पे वेलकम स्टार्ट किया था, वो वाला लोकेशन जो है वो पहला वाला वेदी के सामने का है।
और ये जो लोकेशन है ये पहला वाला वेदी है जो आप लोग जब एंटर करोगे तब सबसे पहले आपको यही नजारा देखने को मिलेगा। पहला वेदी आपको यहीं पे मिलेगा। इस वीडियो से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सही दिया है, और अगर नहीं भी दिया है तो अगर आप लोगों को इस जगह के बारे कुछ भी पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा, ज़रूर से इस जगह के बारे में बताइएगा। ये जो लोकेशन है ये मुझे सबसे सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगा। आई होप आप सबों को भी ये जगह बहुत पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर से वहाँ विज़िट कीजिए। और मेरे मेहनत के लिए, इस वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और जितना से जितना हो सके लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और भी अच्छे वीडियोस के साथ में फिर से अगले वीडियो में मिलूंगी। अभी के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग भी अच्छे से रहिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं भी अच्छे से रहूं।